good job. वेलकम टू द एग्जाम विश्वा डिजिटल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम वोकैबुलरी का 1.6 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम सैंपल क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज दोनों ही सॉल्व करेंगे। सब यूनिट 1.6 फ्रेजेस। फ्रेजेस का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस को सेंस दे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर एक वर्ड रहता है या पर्टिकुलर छोटा सा सेंटेंस रहता है जो हमको पूरा मीनिंग ना समझाए पूरे सेंटेंस का, बट कहीं ना कहीं थोड़ा मीनिंग समझा दे, तो उसका ही मतलब होता है फ्रेजेस। फ्रेजेस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। ठीक है, इसके हम फर्स्ट सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू एक्सप्लेन द अंडरलाइनिंग फेज। सूरज वॉज इंस्पायर्ड बाय द आर्मी ऑफिसर्स मोटिवेशनल स्पीच एंड ही मेड अप हिज माइंड टू ज्वाइन आर्मी। मेड अप हिज माइंड का मतलब आपको बताना है, तो मेड अप हिज माइंड का मतलब होता है डिसाइड करना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स टू ऐड द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू बी अपसेट, सेकंड टू बी डिसअपॉइंटेड, नॉट इन अ गुड मूड, फोर्थ यहाँ पे कौन सा आएगा वो आपको बताना है। तो ये तीनों ही जो सेंटेंस है ये सेम मूड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, या तो अपसेट होना या डिसअपॉइंट होना और गुड मूड में ना होना, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, टू बी नर्वस। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज एप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव टू डिस्क्राइब द एक्सप्रेशन सीन इन द फिगर। फर्स्ट, ब्रश इनटू लाफ्टर, एट लाफ्ट मेक फन ऑफ और स्माइल। तो ये जो पिक्चर है ये आपको डिनोट कर रही है कि यहाँ पे ये बहुत जोरों से हंस रहे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हंस रहे, इट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ करेक्ट होगा, ब्रश इनटू लाफ्टर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, इन आवर सिटी मेनी ऑर्गेनाइजेशन जॉइंड क्लीनलीनेस ड्राइव, सो आवर सिटी इज डैश चेंजेस। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे प्रोवाइड विद, सेकेंड अफ्रेड ऑफ, थर्ड ऑन द वर्ज ऑफ एंड फोर्थ एट द स्ट्रोक ऑफ। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे सिटी में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्लीनलीनेस ड्राइव को लिया है, जिससे कि सिटी में क्या होगा, कुछ अच्छे चेंजेस आएंगे। तो कुछ अच्छे का मतलब होता है ऑन द वर्ज ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कंप्लीट द स्लोगन बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स, डैश नेचर फॉर योर फॉस्फोरस फ्यूचर। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या आएगा कि टेक केयर ऑफ नेचर फॉर योर फॉस्फोरस फ्यूचर। फॉस्फोरस का मतलब होता है आने वाले समय के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, टेक केयर ऑफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स वाई जेड कंपनी नो वैकेंसी, दिस बोर्ड कन्वेज अ मैसेज, चूज अप्रोप्रिएट मैसेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, यू विल बी प्रोवाइडेड विद जॉब, सेकेंड डोंट आस्क फॉर जॉब, थर्ड बी अ पार्ट ऑफ अवर कंपनी एंड फोर्थ वी आर इन नीड ऑफ कैपेबल कैंडिडेट। तो ये जो है बोर्ड वो क्या डिनोट कर रहा है कि कंपनी में वैकेंसीज नहीं है, तो डोंट आस्क फॉर जॉब, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, सी द पिक्चर केयरफुली एंड फाइंड आउट द फ्रेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स व्हिच डजंट एक्सप्लेन द पिक्चर। जो डजंट एक्सप्लेन कर रहा है पिक्चर को, तो ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे पानी रखा हुआ है और पीपल क्या कर रहे हैं, पानी के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर लुक कर रहे हैं या फिर नीड है उनको पानी की। बट यहाँ पे अफ्रेड ऑफ दिख रहा है कि कहीं पे आपको, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है फियर, फियर दिख रहा है कि कहीं पे नहीं, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ये तीनों ही एक दूसरे से सिमिलर है, सर्च करना, लुक करना एंड नीड करना,
पर अफ्रेड यहाँ पे सिमिलर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा ऑड हो जाए। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। अर्जुन इज सो कैपेबल दैट ही हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फैमिली एट द एज ऑफ 24। तो आपको अंडरलाइन पार्ट क्या है, ही हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि लुकिंग आफ्टर, लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर करना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, ही इज लुकिंग आफ्टर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिलिंग द ब्लैंक्स। आर यू टॉकिंग इन फ्रेंच, आई कांट अंडरस्टैंड, प्लीज डैश इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए कि मुझे फ्रेंच समझ में नहीं आ रही है, तो आप प्लीज क्या कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। तो यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्लीट चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स डैश मिडनाइट वी गॉट इंडिपेंडेंस। इट मीन्स मिडनाइट, यहाँ पे आपको बताना है, जैसे यहाँ पे फ्रेज का यूज करना है आपको। तो देखिए फ्रेज का मतलब क्या होता है, कुछ मीनिंग देना सेंटेंस को, कंप्लीट मीनिंग नहीं डिनोट करता वो, बट कुछ मीनिंग बताता है। जरूरी नहीं है कि वो एक जैसा ही सिमिलर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वी गॉट इंडिपेंडेंस ऐसा ही कुछ है, कुछ और भी हो सकता है जिसका मीनिंग इस सेंटेंस को दर्शाता हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, एट द स्ट्रोक ऑफ। एट द स्ट्रोक ऑफ मतलब बहुत समय बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प द फार्मर व्हेन ही वांटेड मनी। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है, वांटेड, तो वांटेड का मतलब क्या होता है, नीड होना, आवश्यकता होना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आएगा, वॉज इन नीड ऑफ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। ए ब्लॉक बी ब्लॉक दिया है आपको, फर्स्ट टू टम्बल विथ फियर, फियर का मतलब आप हमने पहले देखा, फियर का मतलब क्या होता है, अफ्रेड होना। सेकंड, टू बी फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ का मतलब होता है कि वेरी मच लाइक करना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। थर्ड, टू पिकअप, टू पिकअप का मतलब होता है चूज करना, तो ए करेक्ट होगा। और टू बी एबल टू का मतलब होता है हैविंग कैपेसिटी टू डू समथिंग, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स। राजेश इज लुकिंग फॉर अ जॉब मींस ही इज डैश, तो राजेश जॉब को सर्च कर रहा है, ठीक है, इट मींस इन सर्च ऑफ अ जॉब, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड पिक अप द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन बताना है, तो देखिए यहाँ पे कुछ गिर गया है और इसका एक्सप्रेशन क्या बता रहे हैं कि ये सॉरी फील कर रही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड करेक्ट होगा, टू फील सॉरी फॉर। क्वेश्चन नंबर एट, नवनाथ हैज मिस द एडमिशन बाय 2 marks। फॉलोइंग फ्रेजेस एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स बट वन ऑफ देम डजंट एक्सप्रेस नवनाथ मूड। चूज द मिसफिट फ्रॉम द अल्टरनेटिव। मिसफिट आपको जो यहाँ से ऑड है वो बताना है, ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस है वो नवनाथ के मूड को डिस्क्राइब करेंगे, बट एक ऑप्शन मूड को डिस्क्राइब नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू बी अपसेट ये डिस्क्राइब कर रहा है, सेकंड टू फील सॉरी फॉर ये भी आपका मैच कर रहा है, थर्ड टू बी शॉक्ड बाय ये भी आपका मैच कर रहा है, बट ऑप्शन नंबर फोर देखिए, एट द स्ट्रोक ऑफ, एट द स्ट्रोक ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत समय बाद, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पे ऑड वर्ड होगा जो ये सेंटेंस को मैच नहीं कर रहा है, एक्सप्रेशन को भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, चूज द मीनिंग रिलेटेड टू द अंडरलाइनिंग फेज फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। बादशाह वॉज कन्वीनियंस बाय वर्बल आंसर, इट मींस कन्विंस का मतलब होता है एग्री होना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, एग्रीड। क्वेश्चन नंबर टेन, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू एड द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट टू बी अ पार्ट ऑफ, सेकेंड टू पार्टिसिपेट, थर्ड टू गेट इन्वॉल्व एंड फोर्थ। यहाँ पे फोर्थ में आपको बताना है कि क्या होगा, तो रिलेटेड वर्ड ही आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू ज्वाइन, यहाँ पे टू ज्वाइन यहाँ पे हमारा इस सेट को फॉलो करेगा।
पार्ट ऑफ भी होना मतलब ज्वाइन होना, पार्टिसिपेट होना भी ज्वाइन होना, गेट इन्वॉल्व होना भी मतलब ज्वाइन ही होना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसी टाइप से आज हमने 6 एक्सरसाइज सॉल्व किए। नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में हम 7th एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।